नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला, आज आप लोगों के लिए यूपीएसआई एएसआई यानी कि गोपनीय के लिए बहुत ही बेहतर और नीट लेके आया हूं, जो आपके अगले 28 दिन के लिए बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं कि सक्सेसफुल होगी। एक मूल मंत्र है, बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी लोग मेरे द्वारा बताए गए स्ट्रेटजी पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हो, ट्रस्ट करते हो और अक्सर फोन करके कहते रहते हो कि सर स्ट्रेटजी की वीडियो दे दीजिए। और ये प्रेम इसने मुझे बार बार ऐसी मेहनत करने के लिए, बार बार एनालिसिस करने के लिए, तमाम सारी बातों को इकट्ठा करके आपके समक्ष लाने के लिए यहाँ पे मोटिवेट करता रहता है। आज के इस सेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे कि अगले कुछ जो हमारे सप्ताह हैं, 4 सप्ताह हमारे पास बचा है। जैसे आपको पता होगा कि अब एएसआई की जो परीक्षा है वो आपकी 4 और 5 दिसंबर में निर्धारित की गई है। हालांकि ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, बट यही आप 99.99% सही मान के चलो, क्योंकि जब मैं कुछ बोलता हूं तो बहुत ही ज्यादा एनालाइज करके ही चीजें बोलता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और ये पूरी रणनीति जो बहुत ही कामगार होने वाली है आपके लिए, बहुत ही अच्छी होने वाली है, इसे बहुत ही मन से और बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो एक बार देखते हैं कि आज जो ये सेशन है इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास 4 सप्ताह बचा है। अभी 4 से 5 दिसंबर की बात करें तो ज्यादा समय नहीं बचा है, यह हमारा नवंबर भी खत्म होता जा रहा है और दिन कैसे बीतते हैं अंतिम समय में सभी को पता होगा। लेकिन इस लास्ट समय में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि अब क्या पढ़े। जितना हमने पढ़ लिया, बहुत सारे बच्चे, करीबन हजारों बच्चों ने कोर्स में जुड़े और वो लगातार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, चाहे टेस्ट की बात हो, चाहे क्विजेस की बात हो या फिर कोई अन्य की बात हो, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उनका है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो सबसे ज़्यादा उनका क्वेश्चन है कि अब क्या पढ़े, रिवाइज कहाँ से करें, प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज कितना करें, कहाँ से करें, कैसे करें, क्या स्कोर होना चाहिए, सेफ स्कोर कितना होगा, कितना अटेम्प्ट होगा, कट ऑफ क्या जा सकती है, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, कितने बच्चे यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं, कितने पे बनेगी, अलग अलग बोल सकते हैं संभाग का, जैसे आपका अकाउंटेंट का हो गया, स्टेनो का हो गया, अलग अलग कट ऑफ बनेगा, ये तमाम बातें आज के सेशन में हम लोग यहां पे कवर करने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें। आगे देखते हैं हम लोग कि सबसे बड़ी बात तो सिलेबस और पैटर्न के बारे में सभी लोगों को पता होगा, नहीं भी पता हो तो एक बार आप चाहे नोटिफिकेशन देख लो या बोर्ड पे जो मैं पहले से आपके लिए समय बचाने के लिए नोट करके रखा हूं आप इसे देख सकते हो। सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, निगेटिव नहीं है। ऐसे ही ये का और खा, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है, चौथा पार्ट ये है। पहले पार्ट में सामान्य हिंदी और कंप्यूटर है, दूसरे में जनरल अवेयरनेस और फिर करंट अफेयर्स है, तीसरे में मैथ्स और मानसिक योग्यता है और चौथे में मानसिक अभिरुचि, आईक्यू और रीजनिंग है। ये सारे रीजनिंग के ही पार्ट है। ओवरऑल आपके टोटल 200 क्वेश्चन होने वाले हैं, लास्ट में 15-15-20 का होने वाला है। ये वो है जो पिछली बार का पैटर्न था और NSEIT ने ही पिछली बार कराया था, इस बार भी 101% NSEIT ही करवा रही है। और सबसे बड़ी बात, जब उसको प्रॉपर समय मिलता है तो वो बहुत ही बैलेंस्ड पेपर और बहुत ही सिलेबस में अप टू पॉइंट पेपर बनाती है। वो सिलेबस में जो भी पॉइंट है उससे नहीं कुछ तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन जरूर रखिएगा। इसलिए मैं शुरू में ही वीडियो के आपको कहना चाहूंगा कि आप लोग अंत समय में केवल और केवल सिलेबस पे फोकस हो जाइए और पूरी रणनीति हमारी इसी के साथ घूमती रहेगी। हम यहां पे यह भी देखेंगे कि आखिर हमारा टाइम टेबल होना क्या चाहिए, कितने घंटे हमें पढ़ने चाहिए और उन घंटों में हमें कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट में पढ़ने से हमें सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद भी हमें घाटा कराएगा, इन सारी बातों का हम यहां पे ध्यान देंगे। ये सारी चीजें, 2.5 घंटे का पेपर है, वो आपके सामने लिखा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेन है यहां पे आते हैं और हमारी रणनीति का जो पूरा थीम है, बैकबोन है, वो यही है कि आखिर हम टाइम टेबल क्या निर्धारित करें। तो एक बात तो समझ लीजिए कि अंतिम समय में अगले 28 दिन में यदि आपका एक सपना है कि मेरे कंधों पे सितारा लगे, अगर आप चाह रहे हो कि आपका सिलेक्शन, और नो डाउट कि जितने बच्चे इसमें भरे हैं वो सब लोग अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं, वो जान रहे हैं कि मेरे संभाग में बहुत कम लोग एलिजिबल होते हैं, किसी को स्टेनो नहीं आता, किसी के पास अकाउंटेंट की डिग्री नहीं होती है, आप बोल सकते हो कॉमर्स नहीं होते हैं, जनरल ग्रेजुएशन वाले होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे फिल्टर हो जाते हैं और लगभग देखा जाए तो 1.5 लाख बच्चे हैं भी केवल इतने सारे, जहां पे अगर आप देखो तो यूपीएसआई सिविल में बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है, जबकि यहां पे देखा जाए तो मुश्किल से 1.5 लाख बच्चे अप्रॉक्स में फॉर्म भरे हैं। तो कॉम्पिटिशन लिटरली बहुत कम है और 1277 पद, लगभग 1300 पद कम नहीं होते हैं अगर इसके रेस्पेक्ट में देखा जाए। ऊपर से ऐसे बच्चे जहां पे पढ़ने वाले बच्चे, सबसे बड़ी बात है कंप्यूटर जो इसमें पार्ट आता है वो एकदम सीनरी ही अलग कर देता है,
मानसिक अभिरुचि जो पार्ट आता है एकदम सीन ही अलग कर देता है। इसके लिए हमें कितना बोल सकते हैं कि फूक फूक के कदम रखना है, तो ये सारी बातें हम देखेंगे। और ये जो मैं बोल रहा हूँ कि 13 से 14 घंटे, देखो आज के समय में अंतिम समय में एक बात आप अपने दिमाग में रख लो, क्या रख लेना है कि केवल और केवल मेहनत, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अभी तक आपने पिछले 5 महीने 6 महीने में जितना पढ़ा वो सब एक अलग बात है, लेकिन अंत समय में आप कितना ज्यादा पढ़ लेते हो और कितनी ऊर्जावान होकर पढ़ते हो, दूसरी बात इसके साथ कितना ज्यादा आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और खुद से कितना ज्यादा बोलते हो कि नहीं आप सिलेक्शन ले लोगे, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। दूसरी बात एक रणनीति बहुत, देखिए हमने शुरू में जब कोर्स स्टार्ट किया, जब हम शुरू में पढ़ रहे थे तो हम चैप्टर वाइज रणनीति कर रहे थे, हमने सिलेबस वाइज रणनीति बनाया, हमने सब्जेक्ट वाइज रणनीति बनाया, जब हम टेस्ट के फेज में आए तो हम प्रश्न वाइज स्ट्रेटजी के हिसाब से चले प्रश्नगत रणनीति। अपने टेस्ट के पेपर के सोल्यूशन में भी देखा होगा कि प्रत्येक प्रश्न का मैंने प्रश्नगत रणनीति आपको दिया है कि यह प्रश्न अगर रखा गया तो क्यों रखा गया, आयोग कहां से पूछ सकता है, इसके इर्द गिर्द कितनी चीजें पूछ सकता है, ये सारी बातें, तो वो एक फेज चलता चलाया। अब समय है हमें उन सारे रणनीति को समग्र रूप से अब सही समय पे बोलते हैं कि जो ऑप्टिमम तरीका हो सकता है वो अपनाने का है, और वो तरीका ये है 13 से 14 घंटे पढ़ने हैं। अगर कोई भी जनरल बच्चे स्टूडेंट की बात करें तो 6 से 7 घंटा सोएगा, 3-4 घंटे में नहाना खाना अन्य जो उसके डेली कोर्स है डेली वर्क है वो करेगा, इसके अतिरिक्त अगर 1-1.5 घंटा वो मस्ती करता है तो भी उसके पास 13 से 14 घंटा बचते हैं, और इसे भी आप मैक्सिमाइज कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये मैक्सिमम लिमिट है, इसे भी आपको मैक्सिमाइज करना होगा, और जो मेहनत कर लेगा मैक्सिमाइज कर लेगा उसी का सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बारे में मैं चर्चा बाद में करूंगा कि कैसे हमें ये समय निकालना है, बस आप अभी इतना समझो कि 13 से 14 घंटे की रणनीति आपके डेली बेसिस पे और कंटिन्यू बेसिस पे, कंटिन्यूटी सबसे ज्यादा जरूरी है आपका इस पेपर में सफलता दिलाने के लिए, ये बात आप गार्ड बांध के रख लीजिए। प्रायोरिटी वाइज जो मैं आपके सामने लेके आया हूं ये वो आपके पास है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कवर कर रहे हैं आपके पेपर में, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन रीजनिंग ही कवर करेगा अगर सिलेबस की बात किया जाए या प्रीवियस ईयर पैटर्न की बात किया जाए। देखिए मैं ऐसी बोल सकते हैं कि संयोग की कोई बात नहीं कर रहा हूं कि संयोग बस ऐसा कुछ हो जाए कि पेपर का पैटर्न ही बदल जाए। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछली बार जो यूपीएसआई का पेपर हुआ वो एकदम पैटर्न से हटके हुआ, लेकिन उसका भी मैं आपको एक छोटा सा कारण ये बताता हूं कि पहली बार जब एनएससीआईटी ने परीक्षा कराई तो वो परीक्षा क्या हो गई, वहां पर लीक हो गई और जिसके कारण से वो परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन आयोग का प्रेशर कंपनी पर बराबर था, उसने उस एजेंसी को निरस्त किया। अब वहां पर टीसीएस को बोला गया, यहां पे ये बात कंफर्म नहीं है कि टीसीएस ने कराया या फिर एनएससीआईटी ने कराया, फिर भी अगर पेपर का पैटर्न देखा जाए उसका जो आता है बोल सकते हैं रिस्पॉन्स सीट अगर देखा जाए तो 99.99% वो पेपर टीसीएस ही कराया था, और ये बात किसी को नहीं पता है, ये आयोग ने इस बात को छुपा के रखा था, क्योंकि जनरली क्या होता है कि आप जब किसी कंपनी को हायर करते हो पेपर कंडक्ट कराने के लिए तो उसके लिए बाकायदा आप क्या बेट लगाते हो कि वो आए और वहां पर कंपनी को वहां पर निर्धारित किया जाए, लेकिन उस केस में कुछ नहीं हुआ। और जब क्योंकि एनएससीआईटी एक बार क्या हो गई जब वो घोषित कर दी गई ब्लैक लिस्टेड तो उसे दोबारा पेपर देने को मिला नहीं, फिर भी 1% बहुत सारे दिमाग में चल रहा है कि एनएससीआईटी ने कराया था, तो उसका भी रीजन ये है कि जब आपके पास प्रेशर है और आपको अगले 15 से 20 दिन में दोबारा पेपर करवाना है, वो भी इतनी ज्यादा संख्या में बच्चों का पेपर करवाना है, तो नो डाउट आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं होते हैं, फिर आप क्या करते हो जो क्वेश्चन मिला जहां का क्वेश्चन मिला वहां का डाल देते हो, फिर आप सिलेबस नहीं देखते हो, और आयोग का भी यही प्रेशर था कि आप पेपर करवाओ सिलेबस पे मत जाओ, और जिसके कारण से यूपीएसआई के पेपर का पूरा पैटर्न बिगड़ गया था। लॉजिकली देखा जाए और अगर यह भी देखा जाए कि जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं तो सिलेबस से बाहर ज्यादा कुछ होता नहीं, 5-10% अतिशयोक्ति सब में होती है, और वो बोल सकते हैं कि विविध जो टॉपिक लिखा है उसके अंतर्गत आ जाता है, तो सिलेबस से बाहर कुछ नहीं होता, और इस बार भी सिलेबस के अंतर्गत ही होगा। और सिलेबस के अंतर्गत देखा जाए तो रीजनिंग करीबन 60 क्वेश्चन कवर कर रहा है, कहां से कवर कर रहा है इस पे अगर हम लोग यहां पे थोड़ा सा चर्चा करें तो अभी देखो यहां पे आपका 15 करीबन 20 क्वेश्चन तो कोर रीजनिंग है, 20 क्वेश्चन कोर रीजनिंग है जो आपका चौथा पार्ट है, 15 क्वेश्चन आपका आईक्यू वाला जो पार्ट है वहां से होगा, है ना, आईक्यू वाले पार्ट से, और इसके बाद आपका 25 क्वेश्चन जो मैथ वाला संभाग है उसका समूखा, जहां पे मेंटल एबिलिटी की बात कर रहा है, जहां पे मानसिक योग्यता की बात कर रहा है समूह जो खा की बात कर रहा है, संभाग खा की बात कर रहा है, उसमें 25 क्वेश्चन, और इसे जोड़ा जाए तो 40-60 क्वेश्चन आपका रीजनिंग कवर करेगा। तो अल्टीमेटली जो यहां पे सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है वो रीजनिंग ही है, और रीजनिंग आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है। सबसे बड़ी बात आती है आखिर रीजनिंग पढ़े क्या, तो देखिए रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको नया बार बार नहीं पढ़ना है,
पढ़ना बहुत कम है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है, आपका दिमाग काम करना चाहिए, और दिमाग तब काम करता है जब आप ऑलरेडी मेहनत करते हो, बिना मेहनत के आपका दिमाग भी काम नहीं करता है, ये बात भी पता है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतनी ज्यादा आपकी रीजनिंग शार्प हो जाएगी। प्रैक्टिस कहां से करना है, आपको नोट्स दिए गए हैं, प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं बहुत सारे, उसमें 1400 से 1500 क्वेश्चन है, उसे आप लगाइए। और सबसे बड़ी बात है कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने का प्रयास करिए, टेस्ट सीरीज जितना दे लेंगे। मैं बोल रहा हूं कि आप परीक्षा प्लस का टेस्ट दीजिए, बहुत ही क्वालिटेटिव है। आप परीक्षा प्लस का दे चुके हैं तो आप टेस्ट बुक वगैरह का भी दीजिए, अच्छी क्वालिटी के बना रहे हैं, नो डाउट कि सस्ते में अच्छा है, वो एकदम कोई उंगली नहीं उठा सकता है। बायजूस वगैरह ग्रेडअप का भी अच्छा है, तो दो तीन टेस्ट तो हर बच्चे को लगाना ही लगाना चाहिए, क्योंकि फिर आप टेस्ट सीरीज के मामले में कहीं आप पास ही नहीं हो सकते कि मैं इनका लगाऊं इनका ना लगाऊं, ये बात आप दिमाग में रख लो। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज परचेज करते समय दिमाग में ये बात रखो कि कोई किसी का ऐसा टेस्ट सीरीज मत लगाओ जो लास्ट टाइम में बहुत टफ हो। बहुत सारे ऐसे संस्थान, बहुत सारे क्या 99% ऐसे संस्थान है जो अपने आपका ईगो सेटिस्फाई करने के लिए क्वेश्चन पेपर को टफ बना देते हैं, जिससे बच्चे का मोरल डाउन होता है, जो कि लास्ट टाइम में नहीं करना चाहिए। एवरेज बैलेंस्ड और जो आपका पूरा सिलेबस और पैटर्न को फॉलो कर रहा है वो टेस्ट सीरीज लगाओ। अगर आप अभी तक परीक्षा प्लस की नहीं लगाए हो तो परीक्षा प्लस का जरूर लगाओ, ये मैं आपको बोल रहा हूं। तो अभी आप केवल इसे प्रैक्टिस करो रीजनिंग, और डेली बेसिस पे कम से कम 2 घंटे इसे समय दो। 2 घंटा भाई, अगर आप दिन में एक टेस्ट भी दे रहे हो, एक टेस्ट दिन में दे रहे हो, तो वो आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा। तो रीजनिंग का पार्ट कितना गया, लगभग आधे घंटे का गया, आधा घंटा वहां से प्लस 1.5 घंटा आप अलग से जहां से प्रैक्टिस कर रहे हो। दिन में एक या दो ही टेस्ट दो, ज्यादा टेस्ट मत दो, वरना मोरल आपका डाउन होगा, ये बात आप गांठ बांध लो। और एग्जाम के 5 दिन पहले कोई टेस्ट मत दो, क्योंकि फिर वहां पे अगर नंबर कम होते हैं तो केवल डिमोलाइजेशन होता है और कुछ नहीं होता है, ये भी उतनी ही बात सत्य है। तो आपको 2 घंटा देना है किसमें, रीजनिंग के संभाग में 60 क्वेश्चन क्योंकि कवर कर रहा है। करंट की बात करें, यहां पे अगर करंट का हम एक बार सिलेबस देखें, करंट का जो कोर है वो 18 से 19 क्वेश्चन है। और कहां से पढ़े, तो पढ़ना कहां से, मैं आपको बता दूं, घटना सार की एक किताब आती है ना, घटना सार, और इसका अक्टूबर का अंक ले लीजिए, अक्टूबर जो अंक उन्होंने निकाला है ये आप परचेज कर लीजिए। ये हाफ ईयरली आती है, अर्धवार्षिकांक आती है, अक्टूबर तक का है। कहां तक आएगा करंट, तो देखो दिसंबर में पेपर हो रहा है, पेपर बना भी इसी बीच में है, ऐसा नहीं है कि जुलाई और जून में पेपर बन गया था, जो पेपर बना है वो सितंबर और अक्टूबर में बना है, तो नवंबर की खबर नहीं होगी, ये बात भी समझ लो। इक्का दुक्का क्वेश्चन शायद बन जाए तो बन जाए, वरना वो पेपर नवंबर के पहले बन चुका है। पेपर अभी आयोग के पास बन के तैयार है, और आज तारीख में है 8 तारीख, तो नवंबर की खबर नहीं होगी, दिसंबर की कोई बात नहीं करेंगे, जो खबर होगी वो अक्टूबर की होगी, सितंबर की होगी, जुलाई की होगी, अगस्त की होगी, ये 4 महीने के सबसे ज्यादा होंगे, उसके अतिरिक्त जून और मई के होंगे। तो आप अर्धवार्षिकांक लो घटना सार का, और इसे एक बार नहीं मल्टीपल टाइम पढ़ो। कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उन सब की मैं चर्चा करूंगा, लेकिन करंट के 18-19 क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे, और उसके अतिरिक्त हिंदी में एक दो टॉपिक है जहां से करंट के ही क्वेश्चन बनेंगे, जैसे वहां पर हिंदी से पुरस्कार की बात है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार वगैरह हो गया, ये सब पुरस्कार करंट के ही टॉपिक है, वहीं से पूछता है, वहीं से पूछेगा, फिर से एक दो क्वेश्चन हिंदी से चुराएगा, जीएस वाले संभाग से 2-3 क्वेश्चन चुराएगा, तो ऐसा करके वो टोटल 25 क्वेश्चन तो आपका फिर से बना देगा करंट। और अगर सोचो कि आपकी इतनी पतली सी किताब पढ़ के 25 क्वेश्चन कंफर्म हो जाए, देखो एक बात समझिएगा, करंट ही ऐसा एक टॉपिक है, करंट ही ऐसा एक सब्जेक्ट है जहां पे बच्चा सबसे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि मैं यहां पे कर ले जाऊंगा। दूसरी बात, करंट ही एक ऐसा विषय है जहां पे बच्चा सबसे ज्यादा समय बर्बाद करता है। कहां पे बर्बाद करता है, तमाम वीडियोस देखेगा, कोई 4 घंटे मैराथन चला रहा है, कोई 12 घंटे मैराथन चला रहा है, कोई दिन के सुबह 6 बजे करा रहा है, कोई रात के 12 बजे करा रहा है, रात की 11 बजे करा रहा है, आओ करंट की हम तुम्हें बूटी दे देंगे, और बाद में परीक्षा में पता लगता है कि एक भी क्लास से नहीं आया। अरे भाई, जब आप सारी की सारी कुछ सब कुछ करा दोगे, उसके बाद आप दावा ठोकोगे कि मेरे से करंट फंस गया, तो फंसेगा ही करंट, सिंपल सी बात है, इतनी सी चीज है, 5 महीने की बात है, सभी लोग वही पढ़ाते हैं, आप नया तो कुछ नहीं पढ़ा रहे ना, कोई भी मैगजीन उठा लो, क्रॉनिकल उठा लो, घटना चक्र उठा लो, घटना सार उठा लो, आप प्रतिपत्र दर्पण उठा लो, सब में एक ही कंटेंट है, 99.99% कंटेंट सारी मैगजीन में सेम है, और जो यूट्यूबर्स हैं जो आपको मैराथन की बात कर रहे हैं ना, वो भी उसी से उठा रहे हैं, तो इतना आप आलस्य क्यों कर रहे हो, आप वो किताब खुद उठाओ और खुद पढ़ो, और एक बार में करंट के क्वेश्चन सही नहीं होंगे। करंट ऐसा टॉपिक है जो आप केवल एक किताब से सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हो, लेकिन तब जब आप खुद पे विश्वास करके किताब से, कौन सी किताब, घटना सार या घटना चक्र, जो भी आपको अच्छा लगे, अर्धवार्षिकांक लेके आइए, वार्षिकांक भी ले आते हैं, तो खबर फरवरी मार्च के बाद से नवंबर के पहले पहले तक पढ़िए, इससे ज्यादा मत पढ़िए, इससे ज्यादा करंट नहीं पूछेगा। कुछ स्पेशल टॉपिक है करंट में, जीएस में, जैसे उसने क्या दिया, रियो का ओलंपिक की बात कर दिया, उसने सिंधु जल समझौता की बात कर दिया, उसने कुछ और टॉपिक ऐसी बात कर दिया, लेकिन वो टॉपिक कहीं से डिमोटाइजेशन की बात कर दिया, वो 2016 की टॉपिक थी, जब पेपर पिछली बार बना था, पेपर जो पिछली बार सिलेबस था वही सिलेबस हमने कॉपी पेश कर दिया, मेहनत नहीं करना चाहिए। लेकिन
लेकिन फिर भी क्योंकि सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं तो ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं होंगे, लेकिन जो टॉपिक मेंशन हो गए उससे एटलीस्ट एक एक प्रश्न होंगे, जिसे मैंने यहाँ पे 6-7 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, वो एक अलग टॉपिक है। तो 18-19 क्वेश्चन यहाँ पे बचे, और बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो कहीं हिंदी से उठाएगा, कहीं आपका जीएस वाले पार्ट से उठाएगा, यहां से कुछ क्वेश्चन उठाएगा, और ये अपने आपका 25 पूरा कर लेगा। जैसे मैं एक बार आपको सिलेबस दिखाई देता हूं ताकि आपके दिमाग में ये चलता रहे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। थोड़ी सी वीडियो हल्की सी 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गई, लेकिन परेशान मत होइएगा, एकदम बहुत ही फायदेमंद आपके लिए होने वाला है। तो बस कान खोल के चीजों को एकाग्रता से सुनते चले जाइए। जैसे ये देखो, अभी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में कुछ सेक्शन ऐसा है जहां पे यहां से अगर आप देख लो तो पुलिस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, यहां पे ये एक बार दिख रहा है क्या, एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए, हाँ, तो ये आपका पुलिस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उत्तर प्रदेश का, यहां से आपके करंट के क्वेश्चन बनेंगे। यही नहीं, अगर आप यहां पे देख ले ह्यूमन राइट्स है, मानवाधिकार, यहां से करंट से क्वेश्चन बनेंगे। यहां पे आईआर जो है इंटरनल सिक्योरिटी और टेररिज्म है, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, ये करंट के टॉपिक है। रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, ये आपके टॉपिक जो है ये करंट के टॉपिक है। जबकि संभाग कौन सा है, ये संभाग आपका जीएस का है, जनरल अवेयरनेस का। तो यही मैं बोल रहा हूं, अगर सबसे एक एक बनाएगा, ज्यादा नहीं एक एक बनाएगा, एक इस टॉपिक से बना दे, 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 तो भी 4-5 क्वेश्चन आपका इस जीएस वाले संभाग से करंट के होंगे। और ऐसे ही करंट वाले संभाग में कुछ स्पेशल टॉपिक है, जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ एंड इट्स इंपैक्ट, ये करंट नहीं है, ये पुरानी बातें होंगी, लेकिन फिर भी पूछ सकता है। मर्जर ऑफ रेलवे बजट एंड जनरल बजट, रेल बजट का सामान्य बजट में विलय, ये तब की बात है। सिंधु जल समझौता, ये तब की बात है। जीएसटी तो करंट से ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर कंट्री, कैपिटल, करेंसीज, ये भी करंट से ले लेगा। तो ये कुछ टॉपिक यहाँ पे है ना, जो क्राइम कंट्रोल है, ये टॉपिक आपके क्या है, ये कन्वेंशनल टॉपिक में आ जाएंगे। तो यहां से आपका 6-7 क्वेश्चन अलग जाएगा। तो इधर 6-7 क्वेश्चन कम हो रहा है, इधर 4-5 क्वेश्चन बढ़ रहा है, 1-2 हिंदी से बढ़ रहा है, तो आपका करंट तो 25 ही 25 है। और पढ़ना कहां से है, घटना सार से पढ़ना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, आपके पास 4 सप्ताह है, उस मैगजीन को पहली बार 2 सप्ताह में खत्म करने का प्रयास करो, उसके बाद फिर 1 सप्ताह में खत्म करने का प्रयास करो, उसके बाद 4th दिन खत्म करने का प्रयास करो, और उसके बाद फिर 3 दिन में खत्म करने का प्रयास करो। और आपके इन 28 दिन में करंट की मैगजीन कम से कम, ये हुनर आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, उन टॉप 1277 में आना चाहते हो। देखो ऐसा नहीं है, अगर 1.5 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं तो 1.5 लाख का सिलेक्शन नहीं हो जाना है। उनमें से 1277 पोस्ट है, तो 1278 बच्चे नहीं सिलेक्ट होंगे, एक भी बच्चा एक्स्ट्रा नहीं होगा, कम भले ही हो जाए, क्योंकि इसमें सेक्शनल कट ऑफ है 35-35-35-35 और ओवरऑल 40 का, ये बात सभी को पता होना चाहिए। तो कम भले हो जाए, ज्यादा नहीं होंगे, और सबको यहां पे गला काट अगर प्रतियोगिता है तो सबको एक दूसरे की सीट छीननी है। वही छीन पाएगा जो एक्स्ट्रा मेहनत करेगा, वही छीन पाएगा जो दृढ़ संकल्पी होगा, वही छीन पाएगा जो मेहनत करने के लिए आगे आएगा, जो ये नहीं सोचेगा कि मैं ना पढ़ूं तब भी मेरा हो जाए। किस्मत बेटा काम नहीं करती, किस्मत भी तभी काम करती है जब आप मेहनत करने का एटलीस्ट सोचते हो, करने की बात अलग है, ठीक है। तो ये आप इतना दिमाग में रख लो। फिर आते हैं हम लोग यहां पे, हाँ इस वाले संभाग में आते हैं, कहां पे थे, करंट के थे। तो करंट का आपको ये ऐसा पार्ट है जहां पे आपको एक ही किताब को बार बार पढ़ने से 25 क्वेश्चन यहां पे आपका सेफ मिल जाता है। हिंदी उसके बाद बात करें तो 25 क्वेश्चन यहाँ पे सेफ है, एक क्वेश्चन करंट में चला जाएगा तो भी 23-24 क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यह आपको करना है, कहां से करना है, परीक्षा प्लस का रमन सर द्वारा बनाया गया बेस्ट नोट्स है, करीबन 200 पेज का है, सारी किताबों को फिल्टर करके एक साथ रखे हैं, केवल वही पढ़िए आप लोग। मैं उन बच्चों को जरूर बोल रहा हूं जो कोर्स पहले से लिए हो और जो एक बार पढ़ लिए हो, कुछ भी देखो लास्ट टाइम में कुछ भी नया नहीं पढ़ना चाहिए, वही पढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं, अगर आप किसी दूसरे संस्था से जुड़े हो तो जरूरी नहीं कि आप यहां के नोट्स पढ़ो, आप उसी संस्था के नोट्स पढ़ो, संस्था कोई खराब नहीं होती, कुछ एक को छोड़ के जिन्हें पता ही नहीं मैं करवा के आ रहा हूं, जिन्हें पता ही नहीं है कि कोचिंग का मतलब क्या होता है, जिन्हें पता ही नहीं होता है कि बच्चों का भविष्य क्या होता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई भी संस्थान बुरा नहीं होता है। तो आप अंतिम समय में एकदम नया मत पढ़ो, जहां पे जुड़े हो, जो नोट्स आपके पास है, जो कंटेंट है, उन्हीं को रिवाइज करने का प्रयास करो। आप हमारी संस्था से जुड़े हो तो आप हमारे ही नोट्स अच्छे से पढ़ो, आप अन्य संस्था से जुड़े हो तो आप अन्य संस्था का पढ़ो, नया करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप नया वहीं पे करो जहां पे आपने पहले टॉपिक कोई नहीं पढ़ रखी है, ठीक है। तो ये आप, ये मैं परीक्षा प्लस नोट्स अपने बच्चे के लिए बोल रहा हूं जो कोर्स में इनरोल्ड है, और 1.5 घंटा डेली आपको पढ़ना ही पढ़ना है, 2 घंटे रीजनिंग, 1.5 घंटे करंट और 1.5 घंटे हिंदी, 3-5 घंटे आपका 13-14 घंटे में यहां निकल जाता है। फिर आपका कंप्यूटर, अभी ये सेक्शन बहुत ही रोचक सेक्शन है, क्यों,
25 क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछेगा, लेकिन इसमें कंप्यूटर बहुत डीप पूछता है। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस का सिलेबस रख दिया हो। कैसे, ये आप देखो, बेसिक कंप्यूटर एंड फंडामेंटल, हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर कंप्यूटर, ये तो मान लो कॉमन सी बात है ना। लेकिन अभी आप आगे वाले टॉपिक देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक फॉर विंडोज, ये थोड़ा अच्छा हो जाता है। उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट अच्छा हो जाता है। फिर आप ये कंप्यूटर कम्युनिकेशन, इंटरनेट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पे सी, सी प्लस प्लस, जावा पूछता है, एप्लीकेशन ऑफ नेट टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइनिंग, आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ रहे हैं ना, जैसे आपका क्या हो गया, यहाँ पे जितने भी चल रहे हैं वर्डप्रेस वगैरह, उन सबसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वेब डिजाइनिंग में, ठीक है ना। बेसिक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये टफ टॉपिक है। और उसके बाद नेटवर्किंग, ये सबसे ज्यादा टफ, सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन यहाँ से बनता है। वेब ब्राउजर मान लो कॉमन है, आईटी टूल्स मान लो कॉमन है, इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया मान लो कॉमन है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये करंट के टॉपिक है। लेकिन ये कुछ आपके जो पॉइंट नंबर यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 13 है, 14, ये आपके टफ टॉपिक हैं, और इसके लिए आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। ये कोई जनरली नहीं पढ़ता, जनरल कंप्यूटर में नहीं आता, इसके लिए स्पेशल होता है। जिसके लिए आशीष सर ने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छा पढ़ाया है, तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने जितना पढ़ लिया वो मोर देन सफिशियंट है, नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिवाइज करना चाहते हो, हाँ, अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो शायद मैंने कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा है तो मैं आपको बता दे रहा हूं कौन कौन से टॉपिक जो आशीष सर ने पढ़ाए हैं वो आप दोबारा से रिवाइज कर लो। इसमें मैंने लिखा नहीं है, मैं एक बार आपको बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक आपको दोबारा पढ़ लेने हैं। जैसे आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, नेट टेक्नोलॉजी हो गया, वेब डिजाइनिंग की क्लास हो गई, सॉफ्टवेयर फंक्शन नेटवर्किंग, ये जो 4-5 क्लास है, लगभग क्लास नंबर 11, 12, 13, 14, 15, ये एक बार दोबारा से आप रिवाइज कर लो। 2x स्पीड में करोगे तो 4-5 क्लास है, वो 2-3 क्लास का टाइम ले जाएगा, इससे ज्यादा नहीं ले जाएगा। आपके अकाउंट में लगा है, वहां से दोबारा से क्लास की बात करें तो केवल कंप्यूटर की क्लास अटेंड करो, बाकी सब्जेक्ट आपको क्लास दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्लास से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अब नोट्स आपका मोर देन सफिशिएंट है, आपने क्लास नोट्स बनाया होगा, आपने क्या किया होगा, आपको नोट्स दिए गए हैं, एक एक नोट्स बहुत विधिवत दिए गए, आप उन्हें केवल पढ़िए, क्लास करने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आप स्टिल कोर्स नहीं कंप्लीट कर पाए हो तब जरूर पढ़ लो, एटलीस्ट एक बार जरूर पढ़ लो, मैं ये बोलूंगा आपसे, ठीक है ना। तो अगर आप रिवाइज करना चाह रहे हो तो कंप्यूटर में ये 5-6 पार्ट जो है फिर से सुन लीजिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नेट टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग, ये टॉपिक आप आशीष सर की क्लास से दोबारा कर लीजिए। बाकी जो आशीष सर ने नोट्स दिए हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, और यहीं से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन डेली बेसिस पे आपको 2 घंटे इसे भी देने हैं, अगर 2 घंटे से कम दे रहे हो तो शायद आप अपने साथ गलत कर रहे हो। मैथ्स एक ऐसी टॉपिक है जहां पर ज्यादा पढ़ने पर कम नंबर आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें पता है कि ज्यादा पढ़ने पर भी कम नंबर आएगा, फिर भी आप 3 घंटे दो इसे। क्यों? क्योंकि जब आप मैथ पढ़ते हो तो आपका दिमाग लगता है, आपकी रीजनिंग ऑलरेडी स्ट्रांग होती जाती है। दूसरी बात, जब आप मैथ करते हो तो मैथ ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट सब्जेक्ट है। आप चाहे रीजनिंग की बात करो और मैथ्स की बात करो, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, गलत होने का चांसेस नहीं होता है, और आप एग्जाम में ही कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि मेरा अब तो सही है। प्लस मैं आपको बता दूं, बहुत टफ नहीं आने वाली है, नॉर्मल ही मैथ्स आने वाली है, डुएबल मैथ्स आएगी, और मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स के लिए करना क्या है। फिर भी अगर आप मैथ्स करना चाह रहे हो तो लास्ट टाइम में जो क्लासेस कवर कर लियो, क्लास करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी करना चाहते हो तो मैं केवल बोलूंगा नंबर सिस्टम का 2x स्पीड में कर लो, 15 से 16 क्लास मैंने खुद नंबर सिस्टम के पढ़ाए हैं, 6 से 7 क्लास में आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, ये बात दिमाग में रखना है। बाकी आपको पूरी अर्थमेटिक नहीं पढ़ने की जरूरत है, रिवाइज क्लास से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, मेंसुरेशन क्लास से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। फिर आप केवल और केवल टेस्ट दो, और केवल प्रैक्टिस करो, टेस्ट और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कहां से करना है, परीक्षा प्लस की टेस्ट सीरीज से, परीक्षा प्लस की क्विजेस से, एक्स्ट्रा भी करना चाहते हो परीक्षा प्लस के प्रैक्टिस सेट से, एक्स्ट्रा भी करना चाहते हो तो और 2-3 प्लेटफॉर्म अच्छे जो है उनके टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, लेकिन 3 घंटा करना है। मानसिक अभिरुचि की बात करें, यहां पे ये 15 क्वेश्चन आएगा, बच्चा सबसे ज्यादा इस सेक्शन से डर रहा है, एक मानसिक अभिरुचि और एक कंप्यूटर, ये दो सेक्शन है जहां पे आपको सबसे ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन डरने वाली बात भी है क्योंकि नए टॉपिक है, फिर भी मैं बोल रहा हूं डरने की बात अब लास्ट टाइम में नहीं है, क्योंकि बहुत विद्वत आशीष सर और रमन सर ने मिलकर आपका सारा काम आसान कर दिया है। नहीं क्लास कर पा रहे हो, नोट्स को 1-2 बार रिवाइज कर डालो, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। इतनी बात समझ में आ रही है? तो आपको ये फिर ये मैं जो बोल रहा हूं ये प्रायोरिटी वाइज करना है कि पहले सबसे ज्यादा आपको समय रीजनिंग में देना है, और ये वो प्रायोरिटी है जो एग्जाम में भी आपको ज्यादा करना है। 60 क्वेश्चन उसके होंगे, फिर करंट करना है, फिर हिंदी करना है, फिर कंप्यूटर करना है, फिर मैथ्स करना है, फिर मानसिक अभिरुचि, उसके बाद आता है जीएस, यूपी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन। जीएस एक ऐसा पार्ट है कि आप कितना भी पढ़ लो उसमें कभी श्योर नहीं होगे, जिस कारण से परीक्षा प्लस ने आपके लिए अलग से बहुत प्रॉपर 166 पेज का नोट्स दिया है। आपको जीएस एक भी किताब अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना ही पढ़ लीजिए, मैं
आपको बता रहा हूं कि 15 क्वेश्चन में से गारंटी ले रहा हूं 13 से 14 क्वेश्चन एग्जैक्टली फंस जाएंगे, इतना जबरदस्त वो नोट्स है। फिर भी मैं अतिशयोक्ति नहीं बोलता हूं, और कहीं संयोगवश कुछ भी हो सकता है और ये किसी के साथ हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि अगर आप उस नोट्स को पढ़ रहे हो और अगर कॉमन एक मॉडरेट पेपर आता है, एक जनरल पेपर आता है, कुछ ऐसा नहीं करता कि अपनी मनमानी नहीं करता है पेपर में, तो 15 में से 13-14 क्वेश्चन उस नोट से डायरेक्ट फंसेंगे, उस 166 पन्ने से पढ़ेंगे। 28 दिन है, डेली 15 पेज कवर करोगे तो 10 दिन में आपका 16 दिन में आपका कवर हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप रिवाइज कर सकते हो। तो एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, परीक्षा प्लस का नोट्स ही मोर देन सफिशिएंट है। 1 घंटा डेली वही बुकलेट पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। यूपी जो स्पेशल नोट्स दिया गया है यूपी का, आप वहां से पढ़ते चलिए, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसके भी अलग से नोट्स लगा दिए गए हैं, केवल आप वहां से पढ़े। तो ओवरऑल जो आपका टाइम ड्यूरेशन है, 2 घंटा आपको रीजनिंग को देना है, 1.5 घंटा आपको करंट को देना है, 1.5 घंटा आपको हिंदी को देना है, कंप्यूटर को 2 घंटा देना है, सबसे ज्यादा मैथ को देना है, मानसिक अभिरुचि को 1 घंटा देना है, जीएस यूपी और एक्स्ट्रा, जीएस को आप 1 घंटा दो, बाकी यूपी और एक्स्ट्रा को लेस देन 1 घंटे आप दे सकते हो, और अगर ये जोड़ोगे तो 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10 और उसके बाद यहां पे 13 ही घंटे आ रहे, फिर भी आपके पास समय बचता है तो आप फिर जो एक्स्ट्रा कर रही है वो पढ़ लो, या ज्यादा पार्ट रीजनिंग का हो गया या मैथ हो गया आप उसे देख सकते हो, या कंप्यूटर में जो आपका सेक्शन वीक लग रहा है उस सेक्शन को आप देख सकते हो। ये रणनीति इन जनरल इन पर्टिकुलर नहीं है, आपकी अपनी रणनीति भी हो सकती है, आप उसे चेंज भी कर सकते हो, ये टाइम ड्यूरेशन बदल भी सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सब्जेक्ट वाइज चलते हैं, पहले ये सब्जेक्ट फिनिश कर लें फिर ये सब्जेक्ट फिनिश कर लें, लेकिन वो थोड़ा गलत होता है। जब आप ऐसे चलते हो तो आपका कॉन्फिडेंस आता जाता है कि हमने भाई एटलीस्ट मेरा 60 क्वेश्चन पक्का है, एटलीस्ट मेरा यहाँ पे 20 क्वेश्चन पक्का है, और ज्यादा से ज्यादा जो एक्स्ट्रा समय बचे ना, अभी आप ये 12.5-13 घंटे की है, अगर आप दिन में 2-3 घंटा एक्स्ट्रा निकाल पाते हो तो आपको किसे समय देना है, आपको करंट को समय देना है, आपको रीजनिंग को समय देना है, आपको कंप्यूटर को समय देना है, इसको समय दो ताकि आपकी स्कोर ज्यादा हो, ताकि आपका सिलेबस जल्दी कवर हो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, और अंतिम समय में कॉन्फिडेंस ही बूस्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आते हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर कट ऑफ क्या हो सकता है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सेफ स्कोर क्या होगा, तो एक बार सेफ स्कोर की यहां पे चर्चा कर लेते हैं। देखो जो मैंने यहां पे आपके लिए बना के रखा है कि रीजनिंग अगर 60 क्वेश्चन है तो ये बहुत ही आसान नॉर्मल सा है, कोई भी बच्चा होता है उसकी रीजनिंग तो अच्छी होती ही होती है, नो डाउट। तो फिर अगर आप इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, और 50 प्लस क्वेश्चन डुएबल होते हैं, और एक्यूरेसी के साथ आप इसे कर सकते हो अगर आपकी साउंड प्रैक्टिस है। कुछ एवरेज बच्चे भी होते हैं, बिलो एवरेज भी बच्चे होते हैं, तो उनका कुछ क्वेश्चन कम हो सकता है, लेकिन अभी आपको यह मान के नहीं चलना है कि मैं एवरेज हूं मैं बिलो हूं तो मैं नहीं करूं, आपके पास नहीं करने का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप एवरेज हो या बिलो एवरेज हो तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, आप 13-14 घंटा इन जनरल है तो आप उसे 15-16 घंटा ज्यादा बनाने का प्रयास करो, बाकी जहां पर टाइम आपके वेस्ट हो रहे हैं उसे रिड्यूस करने का प्रयास करो, 7 घंटे की जगह 6 घंटा 5.5 घंटा 5 घंटा सोने का प्रयास करो, टाइम मत बर्बाद करो। अगर आप बिलो एवरेज या अपने आपको एवरेज फील कर रहे हो तो, और अगर आप मॉडरेट हो अच्छे हो तो नो डाउट कॉन्फिडेंस के साथ आप इतना स्कोर कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। करंट है एक किताब केवल पढ़ के, केवल घटनासार का अर्धवार्षिकांक बार बार पढ़ के, जरूरत नहीं है कोई वीडियो देखने का, जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा भटकने का, आप परीक्षा प्लस के द्वारा कराए गए जो करंट के टेस्ट हैं वो अच्छे से कर लीजिए, और आप घटनासार की जो मैगजीन है वो अच्छे से पढ़ लीजिए, लेकिन मल्टीपल टाइम पढ़िए, एक बार पढ़ने से नहीं होगा, या आप मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को, मल्टीपल टाइम पढ़ना है, कम से कम एग्जाम से पहले करंट की मैगजीन 3 बार एटलीस्ट खत्म करनी है आपको, आज ही पढ़ ले लीजिए, और अगर इतना कर लिए तो ओवरऑल जो 25 क्वेश्चन 25 में ज्यादा नहीं बोलेंगे फिर भी आप 16-17 क्वेश्चन तो बहुत आराम से कर लोगे अगर आप 3 बार एटलीस्ट पढ़ लेते हो। हिंदी है डुएबल सब्जेक्ट है, फिर भी 25 में 25 कोई नहीं कर पाता है, लेकिन आप 25 में अगर कर सकते हो तो 20 प्लस बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो हिंदी में। कंप्यूटर की बात किया जाए, 25 क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चा सबसे ज्यादा डरता है, मैं बोल रहा हूँ 25 क्वेश्चन में कुछ नहीं कर पाओगे, 10-15 क्वेश्चन कर पाओगे, ये मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो एवरेज है बिलो एवरेज है, कंप्यूटर बहुत टफ पूछ लेगा तो भी 10-15 क्वेश्चन 25 में कर लोगे आप, मैथ से बहुत टफ पूछ लेगा तो भी आप 10-15 क्वेश्चन कर लोगे, अभी मैं बताता हूँ 10-15 क्वेश्चन कैसे कर लोगे। मानसिक अभिरुचि है 15 क्वेश्चन आना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, फिर भी आप 6-7 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। जीएस का संभाग है, जीएस के संभाग में 15 क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। यूपी है, यूपी में आप स्कोर ज्यादा कर सकते हो, 6-7 क्वेश्चन है, 3-4 आप कर सकते हो, और जो जनरल 3-4 है इसमें भी मैं बोल रहा हूं 1-2 क्वेश्चन कर सकते हो। एक बार आप कैलकुलेट करो कि कितने क्वेश्चन आपके हो गए,
मैक्सिमम जोड़ने 50 और 17, 50 20 70, 70 और 17 87 क्वेश्चन हो गए, 87 और 15 यानी कि 97 और 5 102, 102 और 15 यानी कि 117 और 117 और 7 हो गया 124, 124 और 8 हो गए आपके 132, 132 और 6 हो गए 138, यानी कि 138 क्वेश्चन आप मैक्सिमम कर सकते हो जब जब बहुत सेफ जोन में खेलो, अगर इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलो। और आप बोलते ना कट ऑफ क्या होगा, सेफ स्कोर क्या होगा, तो एक बात कान खोल के सुन लो, पेपर कितना भी आसान हो जाए, पेपर कितना भी टफ हो जाए, जो टॉपर्स होते हैं वो 70 से 75 या बोल सकते हो बड़ा रेंज ले लो तो 65 से 80 के बीच में ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते, 70 से 80 ले लो, जितने भी टॉपर होते हैं 70 से 80% होते हैं। अभी आपका पीटी का पेपर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, पीटी के पेपर में भी जो 99.99% है उसका स्कोर क्या है, पेपर एकदम इजी था, बहुत ही आसान पेपर था, लेकिन 85 से 86 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन कोई नहीं सही कर रहा है, कोई बहुत अच्छा कर रहा है, जो टॉपर है वो 91-92 क्वेश्चन शायद सही किया है, फिर भी वो 90% पे गया, उसके बाद सेकंड टॉपर कितने पे आया, 83-84 पे आया, जब बहुत आसान मतलब कि एक 10th लेवल का पेपर था, उसके भी बाद अगर तीसरा चौथा टॉपर देखो तो मैक्सिमम बच्चे कहां पे आ रहे हैं, 81-82-83-84 पे आ रहे हैं, जब आसान पेपर, तो पेपर में 200 वहां पे तो 100 ही क्वेश्चन थे, यहां पे तो 200 क्वेश्चन है भाई साहब, जाहिर सी बात है आपकी एक्यूरेसी थोड़ी गड़बड़ होगी, यहां पे बिलो जो होगा थोड़ा सा उससे नीचे आओगे, तो 70-80% के बीच में ही टॉपर रहेगा, इससे ज्यादा टॉपर नहीं हो सकता है। और ये आपका 138 स्कोर जो है ये लगभग आपका 70% स्कोर है, 138 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं 200 क्वेश्चन में से, नंबर चाहिए तो इससे डबल कर लेना, दूना दो से गुणा कर लोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, बात समझ में आ रहा है, तो 200 क्वेश्चन में आपको 138 क्वेश्चन आराम से पहुंच सकते हो, अगर मैं मिनिमम जो कर लूं तो ये करीबन 125 जाएगा, और ये 125 भी आपका लगभग 63-64% जा रहा है, कितना जा रहा है 63-64%, तो अगर 63-64% पा रहे हो तो भी आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं ये मिनिमम बताया हूँ, कोई जरूरी नहीं कि आप इतना ही पाओ भाई, जिसकी मैथ अच्छी होगी वो 25 में 25 करने का प्रयास करेगा, वो 10-15 पे थोड़ी 10 थोड़ी करेगा केवल, वो 25 में 25 करने का, एक दो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 3-4 गलत हो जाएगा, फिर भी 18-19 पे पहुंच जाएगा, ऐसे ही जिसका कंप्यूटर स्ट्रांग होगा वो करीबन 20 प्लस स्कोर करेगा, जिसका मानसिक अभिरुचि अच्छा होगा वो आपका 15 क्वेश्चन में 11-12 क्वेश्चन करेगा, ऐसे जिसकी यूपी और जीएस स्ट्रांग होगी वो इन संभाग में जो 25 क्वेश्चन है उसमें 18-19-20 क्वेश्चन करेगा, तो यहां पे तो स्कोर बढ़ेगा ही अगर यहां पे कम हो जाता है, तो आप अगर करते हो इस स्ट्रेटजी से चलते हो तो आप 70% पहुंच जाओगे, और बहुत अच्छे हो तो जाहिर सी बात है सब में थोड़ा थोड़ा अच्छा करोगे आप टॉपर लिस्ट में चले जाओगे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका मैं नाम ले सकता हूं यहां पे, और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं जिनसे मेरी अक्सर बात होती रहती है कि इस बार यूपी एएसआई में टॉपर वही होंगे और यहां पे परीक्षा का नाम रोशन करेंगे, आप चाहे देख लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे परीक्षा प्लस ही टॉपर देने वाला है, क्योंकि मैं उनका स्कोर देख रहा हूँ, और वो यहाँ पे नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, आप उनका टेस्ट बुक पे जाओ तो वहां पे भी टॉप मार रहे हैं, हमारे टेस्ट में वहां पे भी टॉप मार रहे हैं, किसी और संस्था में टेस्ट लिए वहां पे भी टॉप मार रहे हैं, तो एक ऐसा बच्चा जहां जो हर जगह टॉप मार रहा है वो जाहिर सी बात है टॉपर लिस्ट में आएगा अगर ईश्वर ने सब कुछ अच्छा किया तो, और इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये बातें बोल रहा हूँ। तो आपका डेली 2-3 अगर ये आपका टाइम ड्यूरेशन है ये आपका क्या कर सकते हो, मिनिमम स्कोर इतना कर सकते हो और इतने पे आपका हो जाएगा, लेकिन इसे मैक्सिमाइज करने का प्रयास करो। मैं यहां पे बोल रहा था 10-15 क्वेश्चन क्यों मैथ में, यहां पे कई सारे बच्चों के दिमाग में आता है, तो देखो कोई भी पेपर होता है उसका एक पैटर्न होता है कि 30-40% क्वेश्चन इजी होते हैं, करीबन 30% क्वेश्चन 30-40% 40-50% बोल लो आपका मॉडरेट होता है ना, और करीबन आपका यहां पे 20% क्वेश्चन क्या होता है टफ होता है, तो ये जो 20% टफ अगर आप एक क्वेश्चन भी नहीं छूते हो तो भी आप 80% क्वेश्चन यहाँ पे कवर करके आओगे, और 80% क्वेश्चन कवर करके आओगे तो आपका ये छुओ तक मैं अटेम्प्ट तक मत करो तो भी 80% में निगेटिव नहीं है, एक्यूरेसी आपकी ज्यादा गड़बड़ नहीं होगी, फिर भी आप एटलीस्ट एक सीट छकाने के लिए हो जाओगे। देखो यहां पे हमें नोबेल प्राइज नहीं जीतना है, अगर आपको लगता है कि मैं एवरेज हूं बिलो एवरेज हूं तो आप एक सीट के लिए सोचो, आप एटलीस्ट सिलेक्शन के लिए सोचो, आप टॉपर के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, लास्ट टाइम में मैं आपको डिमोराइज करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करूंगा। तो ये पेपर का पैटर्न है, ये इजी है, ये मॉडरेट है, और पेपर ये लास्ट टाइम में जब पेपर करना होगा तो मैं बताऊंगा, अभी मैं यहां पे इसे स्किप करता हूं, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि इजी और मॉडरेट पेपर कर लोगे तो भी आप 70-80% के रेंज में रहोगे, पेपर जब बहुत टफ होगा तो ये 20-30% हो जाएगा, मॉडरेट का ये 40-50 रहेगा, ये थोड़ा कम हो जाएगा तो ये स्कोर करके 70% आ जाएगा, तो पेपर टफ होगा तो आपके अकेले के लिए तो होगा नहीं, जितने बच्चे बैठेंगे सबके लिए टफ होगा, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ भी थोड़ा नीचे आएगा, फिर भी आप सेलेक्ट हो जाओगे, तो उद्देश्य हमारा
हमारा सिलेक्शन है, उद्देश्य हमारा ये नहीं है कि हम यहाँ पे टॉप मार रहे हैं। आप टॉप मारोगे तो भी आपको वही पोस्ट मिलेगी, आप एटलीस्ट एक पोस्ट लोगे तो भी आपको वही पोस्ट मिलेगी, हो सकता है बस कहीं पोस्टिंग अलग हो जाए, लेकिन टॉपर को नोबेल प्राइज आयोग देने वाला नहीं है। वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा अवार्ड जीत के घर बैठ जाएगा, ये एकदम दिमाग से हटा दो। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे एक चीज है कि ये पेपर नो निगेटिव है, लेकिन एक्यूरेसी मैटर करेगी, एक्यूरेसी मैटर करेगी, ये नई बात है। मैं क्यों बता रहा हूं कि एक्यूरेसी क्यों मैटर करेगी? देखो, एक्यूरेसी जनरली बच्चों का मिसकॉन्सेप्शन बना होता है कि एक्यूरेसी से परसेंटाइल बनता है, एक्यूरेसी से रैंक बनती है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्यूरेसी तब मैटर करती है जब आयोग की गलती होती है। आयोग की गलती कहां होती है? सपोज करो 200 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन ने गलत डाल दिए, 20 क्वेश्चन किसी का आंसर की गलत है, किसी का क्वेश्चन मिसप्रिंट है, किसी का आंकड़ा नहीं सही है, कुछ फैक्ट गलत है, तो ऐसे अगर 20 क्वेश्चन मान लेंगे तो क्या करता है आयोग? वो नंबर सबको दे देता है। अब यहीं पर गलती होती है, स्टूडेंट सोचता है कि वो जो 20 क्वेश्चन गलत है वो 20 क्वेश्चन के नंबर सबको मिले, वो सबको नहीं मिलते। उसका एक फॉर्मूला होता है, ये देखिए आप, वो फॉर्मूला मेंशन भी किया है। वो फॉर्मूला क्या होता है कि प्रश्न पत्र के उस भाग के पूर्णांक, मतलब कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन में जितना क्वेश्चन गलत होगा तो उसका नंबर लेगा, ठीक है ना, प्रश्न पत्र के उस भाग के पूर्णांक, उस पूरे सेक्शन का पूर्णांक कितना है, फिर अपॉन क्या करेगा, प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्न 200 है, 200 में से क्या माइनस करेगा, निरस्त प्रश्नों की संख्या। मतलब आप ऐसे समझो कि अगर सपोज करो कि एक कोई भी संभाग ले लो, मान लो मैथ के 5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो मैथ में प्रश्न पत्र के उस भाग के पूर्णांक, मैथ का 25 दुना कितना है, 50 नंबर है, तो 50 बटे क्या करेगा 200, और 200 माइनस क्या करेगा, निरस्त प्रश्नों की संख्या, मान लो कितना 5 हुआ है, और गुणे क्या करेगा, अभ्यर्थी के सही प्रश्नोत्तरों की संख्या, मतलब वो कितना प्रश्न टोटल सही कर रहा है 200 में, उससे गुणा होगा। तो यहां पे आपके एक्यूरेसी से गुणा होता है और इतना मार्क्स आपको अलॉट होगा, जिसकी जितना ज्यादा एक्यूरेसी होगी उस गलत क्वेश्चन का उसको उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा, और उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा तो उसकी रैंक और सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। तो कई बार बच्चों के दिमाग में मिसकॉन्सेप्शन होता है कि निगेटिव नहीं है तो मार दो, तुक्का ठोक दो, जो दिल में आएगा वो कर दो, देखा जाएगा, भगवान भरोसे, भगवान भरोसे मत बैठो बेटा, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, यहां पे वो फैक्ट करता है। तो आपका अटेम्प्ट भी इतना होना चाहिए कि वो आपका गुड अटेम्प्ट में आए, और बहुत ज्यादा 200 में 200 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप उतना तक सेफ रहो जितना तक आपको आ रहा है। मैं लास्ट टाइम स्ट्रेटजी लेके आऊंगा, फिर से एक वीडियो बनाऊंगा कि अंतिम समय आपको क्या करना है, कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, जब पेपर को 4-5 दिन रह जाएगा, अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस पे, है ना। आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और उस वीडियो का भी इंतजार करना, लेकिन ज्यादा जरूरी यह है कि मैं आपको बता दूं कि कल से ही आपका रिवीजन क्लास चालू कर दी जाएगी, और रिवीजन क्लास आपका पब्लिक क्लास होगी, यूट्यूब पे निशुल्क दिया जाएगा सभी के लिए, और डेली 7 बजे चलेगी, और इसमें मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात, जो मैं आपको स्ट्रेटजी बना रहा हूं, अगर ईश्वर मेरे साथ रहा और ईश्वर आपके साथ रहा, तो मैं केवल और केवल इस प्रैक्टिस जो मैं आपको प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं सेशन, इससे 40% क्वेश्चन एज इट इज फंसा दूंगा, जिसके ऑप्शन भी नहीं बदलेंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। बस मैं इतना बोलूंगा कि ईश्वर मेरे साथ बुरा ना हो और आपके साथ बुरा ना हो, और जैसा मैं सोच रहा हूं, जिस मैं रणनीति पे चल रहा हूं, वो गड़बड़ ना हो। आज तक गड़बड़ हुई नहीं है, कब फिर भी गड़बड़ होगी नहीं, लेकिन फिर भी 1% हमेशा अपना पक्ष लेके चला जाता है, लेकिन जो मैं सोच रहा हूं टीम सोच रही है, 40% क्वेश्चन केवल रिवीजन क्लास से, मैं एज इट इज विद ऑप्शन भी गलत, एक भी ऑप्शन ऊपर नीचे नहीं होगा, ऐसा मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा, ये इस बात की गारंटी है। तो अभी भी चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, हम लोग मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, अभी जो कोर्स में आप लोग जुड़े हो उसकी भी सारी चर्चाएं हम लोग करते रहेंगे, और दिन प्रतिदिन मोटिवेट करते रहेंगे। एक बात आप गांठ बांध के सुन लो कि ये आपका एग्जाम है, आपने बहुत सारी मेहनत की है, अंतिम समय में कुछ नहीं आपको सोचना चाहिए, केवल और केवल आपकी पढ़ाई ही दिखनी चाहिए। 13 से 14 घंटे आपको पढ़ना है, और ज्यादा भी पढ़ सकते हो, इतना पढ़ो कि महीने भर हो जाए, आप घर से बाहर मत निकलो। मेरा भी यही सेगमेंट होता था, जब मेरा एग्जाम होता था मैं लास्ट टाइम में 16-16, 17-17 घंटे पढ़ता था, यकीन मानो, और मेरे घर वाले ये कह देते थे कि बेटा किताब बंद कर दो, तबीयत खराब हो जाएगी, और जिस दिन आपके घर वाले ये बोलते हैं बेटा किताब बंद कर दो, खाने पीने का ध्यान दे लो, वरना तबीयत खराब हो जाएगी, यकीन मानो आपको सफल होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, और वो दिन आपका होगा, वो सफलता आपकी कदम चूमेगी और आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त जरूर होगा। तो इस उम्मीद के साथ कि ये जॉब आपके लिए है, एक पोस्ट आपके लिए है, और आपको जो अभी तक नहीं किया कोई, वो आपको करना है, आपको करके दिखाना है, और आप करके दिखाओगे, यू कैन एंड यू विल। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत
धन्यवाद। जाते जाते एक बात मुझे कहना रह गया था, भूल गया था मैं, तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे जो थे वो लगातार डिमांड कर रहे थे, सर मुझे केवल कंप्यूटर के नोट्स दे दिए जाएं, सर मुझे केवल मानसिक अभिरुचि के नोट्स दे दिए जाएं। तो उनके लिए टीम ने बहुत ही अच्छा प्लान लेके आया है लास्ट टाइम में, है ना, कि आपके भलाई के लिए, मानसिक अभिरुचि जो भी है ना, आपकी भलाई के लिए इसमें क्या किया गया है, कंप्यूटर की क्लास प्लस नोट्स, जितने भी क्लास हैं आशीष सर के द्वारा, बहुत जबरदस्त नोट्स हैं, बहुत जबरदस्त क्लास है, वो मानसिक अभिरुचि के नोट्स और क्लास रमन सर के द्वारा है, इसमें भी आपके क्लास और नोट्स सारे दे दिए गए हैं। यही नहीं, जो आपके स्पेशल टॉपिक हैं, स्पेशल टॉपिक जैसे जीए और जीएस वाले में सिंधु जल समझौता हो गया आपका, आईआर आपका हो गया, और आपका डीमोनेटाइजेशन हो गया, रियो ओलंपिक हो गया, हिंदी में आपकी रचनाएं हो गई, है ना, मानसिक अभिरुचि के कुछ पोर्शन हो गए, तो वो जो स्पेशल टॉपिक है उसका एक अलग से, है ना, जो आपको कहीं मिलता नहीं है, उसके नोट्स आपको दे दिए गए हैं, प्लस क्लास दे दिए गए हैं। यही नहीं, आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट, जो अभी भी टेस्ट नहीं परचेज किए हों मैं उनको बता रहा हूँ, 10 फुल लेंथ टेस्ट इसमें दे दिया गया। तो एक पैकेज आपके लिए स्पेशली UPASI स्पेशल के नाम से बना दिया गया है, UPASI स्पेशल, जिसकी फीस 999 रखी गई है, लेकिन लास्ट टाइम में आपको 499 में अवेलेबल कराई जा रही है। आप चाहो तो ये परचेज कर सकते हो, लास्ट टाइम में अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हो। उम्मीद है कि आप ऐसे ही दिन प्रतिदिन मेहनत करते रहोगे और अपनी सफलता के लिए अग्रसर रहोगे। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।